गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू थिंक आई चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस घटनाचक्र दृष्टि, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ईयर्स करंट अफेयर्स फॉर फिल्म्स UPSC एंड UPPSC। लेट अस बिगिन द टॉपिक। वैदेशिक क्षेत्र वैश्विक प्रेषण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट 2022। 11 मई 2022 को वर्ल्ड बैंक द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 36 का नवीनतम संस्करण अ वार इन पैंडेमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस एंड COVID-19 ऑन ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ माइग्रेशन एंड रेमिटेंस फ्लोज जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान निम्न और मध्यम आय वाले अन्य देशों में 4.2% की वृद्धि के साथ प्रेषण प्रवाह यानी रेमिटेंस फ्लो $630 बिलियन होने का पूर्वानुमान है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि $630 बिलियन पैसे आएंगे भारत में रेमिटेंस के थ्रू। रेमिटेंस क्या होता है? जब हमारे देश से NRI जो होते हैं, NRI मतलब देश से बाहर जाकर बसने वाले लोग, या जो बाहर माइग्रेट कर गए हैं देश से लोग, जैसे सऊदी अरेबिया और आशियान कंट्रीज़ में अमेरिका की तरफ, तो वो कुछ पैसा अपने घर की तरफ भेजते हैं, भारत की तरफ भेजते हैं अपने घर वालों को, तो वो रेमिटेंस कहलाता है। तो वो उससे काफ़ी टैक्स भी कलेक्ट करती है भारत सरकार। तो यही बताया जा रहा है कि $630 बिलियन प्राप्त होने का अनुमान है 2022 में। वर्ष 2021 में 8.6% की वृद्धि हुई थी, जब प्रेषण प्रवाह बढ़कर यानी रेमिटेंस बढ़कर $605 बिलियन हो गया था। वर्ष 2021 में भारत को $89.4 बिलियन प्रेषण यानी रेमिटेंस प्राप्त होने का अनुमान था। वैश्विक स्तर पर भारत सबसे बड़ा प्रेषण यानी रेमिटेंसेस प्राप्तकर्ता देश है। इसके बाद क्रमशः मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस और इजिप्ट आते हैं। तो भारत के बाद चार कौन से देश आते हैं? मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस और इजिप्ट। भारत का विदेशी ऋण दिसंबर अंत 2021। 31 मार्च 2022 को वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा दिसंबर अंत 2021 से संबंधित विदेशी ऋण एक्सटर्नल डेट के आंकड़े जारी किए गए। दिसंबर अंत 2021 में भारत का विदेशी ऋण $614.9 बिलियन रहा, जो सितंबर अंत 2021 की तुलना में $11.5 बिलियन अधिक है। GDP की तुलना में वाह ऋण का अनुपात दिसंबर अंत 2021 में 20% रहा, जबकि सितंबर अंत 2021 में यह 20.3% था। भारत की वाह ऋण में वाणिज्य उधार 36.8% हिस्से के साथ विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक रहा। इसके पश्चात भारतीय अनिवासियों की जमाएं 23.1% तथा अल्पविधिक व्यापार ऋण 18% की हिस्सेदारी है। दिसंबर 2021 में भारत के विदेशी ऋण में सबसे अधिक 52% ऋण अमेरिकी डॉलर में लिए गए, US डॉलर में लिए गए। इसके पश्चात भारतीय रुपए 32%, SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स 6.7%, ये IMF की करेंसी है, जैपनीज येन 5.3% और यूरो 3.1% में लिए गए ऋणों का स्थान है। तो ये जो डेट आता है, ऋण आता है, तो उसके लिए बता रहे हैं। जैसे फॉरेक्स रिजर्व की बात करते हैं हम, तो भारत का $641 बिलियन तक पहुंच गया था, 641 से ऊपर पहुंच गया था, अभी $600 बिलियन के आसपास चल रहा है। तो उसमें किस किस की क्या क्या वैल्यू है, कितने परसेंटेज में है, उसी की हम बात कर रहे हैं। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड 13 सितंबर 2021 को विद्युत क्षेत्र के अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय निगम NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFC लिमिटेड द्वारा 300 मिलियन यूरो का 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया गया। यह भारत की ओर से जारी होने वाला अब तक का पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है। इसके अलावा यह किसी भारतीय NBFC द्वारा जारी किया गया पहला यूरो बॉन्ड है, जो 2017 के बाद भारत से जारी किया गया पहला यूरो बॉन्ड है। इस इशू में 82 खातों से भागीदारी के साथ पूरे एशिया तथा यूरोप के संस्थागत निवेशकों की मजबूत हिस्सेदारी हुई है और इसे 2.65 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड किया गया है। अप्रैल 2021 में गाज़ियाबाद नगर निगम द्वारा देश का पहला हरित नगर निगम बॉन्ड, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में सूचीबद्ध किया गया। लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा नगर निगम है
जिसके द्वारा जारी बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। तो गाज़ियाबाद लखनऊ के बाद दूसरा है। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता 7 सितंबर 2021 को मध्य अमेरिकी देश एल सल्वाडोर बिटकॉइन को वैध मुद्रा लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। जून 2021 में देश की संसद ने, यानी एल सल्वाडोर की संसद ने, इस संबंध में एक कानून पारित किया था। एल सल्वाडोर विदेशों से श्रमिकों द्वारा भेजे गए धन रेमिटेंसेस पर काफ़ी निर्भर है, जिसके चलते बिटकॉइन को अपनाने से यह प्रेषण की प्रक्रिया, यानी रेमिटेंस की प्रक्रिया, तीव्र और सुगम हो सकती है। छोटी सी कंट्री है, ज़्यादा करेंसी का ओवरफ्लो नहीं होता है, ज़्यादा कुछ बनाता नहीं, ज़्यादा कुछ खरीदता नहीं है, तो वो ऐसी चीज़ें कर सकता है, ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकता है। बिटकॉइन को अपनाने से एल सल्वाडोर में वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने में मदद मिलेगी। बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी, आभासी मुद्रा, वर्चुअल करेंसी है। बिटकॉइन को डिजिटल वॉलेट के रूप में रखा जाता है तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से एक्सेस किया जाता है या अभिगम बनाया जाता है। एल सल्वाडोर में वॉलेट को चीवो कहा जाता है, जिसका स्थानीय भाषा में कूल नाम है, कूल। एथेरियम और रिपल आदि क्रिप्टो करेंसी के अन्य उदाहरण हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम, ग्लोबल मार्केट आउटलुक फॉर सोलर पावर 2022 एंड 2026। तो 2022 से 2026 के बीच में ग्लोबल मार्केट आउटलुक फॉर सोलर पावर की हम बात करेंगे। 10 मई 2022 को इंटर सोलर यूरोप कॉन्फ्रेंस म्यूनिख जर्मनी में ग्लोबल मार्केट आउटलुक फॉर सोलर पावर 2022 से 2026 रिपोर्ट जारी की गई, 4 वर्ष के लिए जारी की गई है, 4 या 5, 2022 है ना, तो स्टार्टिंग से लेकर के 26 तक। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर 167.8 गीगावाट सोलर क्षमता को ग्रिड से जोड़ा गया, जो विगत वर्ष 139.2 गीगावाट की तुलना में 21% अधिक है। इस प्रकार वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर कुल संचालित सौर ऊर्जा क्षमता 940 गीगावाट हो गई है। वैश्विक स्तर पर विगत एक वर्ष में स्थापित कुल नवीकरणीय ऊर्जा 302 गीगावाट में 56%, 168 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इसके बावजूद भी वैश्विक स्तर पर कुल विद्युत खपत में, इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन में, सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी मात्र 4% है, जबकि 70% हिस्सेदारी अन्य अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की है, ज़्यादातर कोयला हो गया। अनवीकरणीय में न्यूक्लियर एनर्जी भी आती है, तो कोयला हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी भी हो गई आपकी, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल डीजल से इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा की जाती है, पैलेट्स से, जो कोल पैलेट्स हो गए और जो वुड पैलेट्स हो गए, दोनों से एनर्जी पैदा की जाती है। फिर बाकी जो छोटे मोटे अन्य सोर्सेज हैं जो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट हैं, उनसे जब एनर्जी पैदा कर रहे हैं और ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, तो वो अनवीकरणीय स्रोत हैं ऊर्जा के। वर्ष 2021 में शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 302 गीगावाट में शामिल अन्य स्रोत हैं। सोलर 168 गीगावाट 58%, वायु 93 गीगावाट 31%, हाइड्रो 25 गीगावाट 8%, बायोमास 10 गीगावाट 3%, अनवीकरणीय 6 गीगावाट 2%। तो वायु का मतलब विंड मिल की बात कर रहे हैं। वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर चाइना ने सर्वाधिक 54.9 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना की है, 27.3 गीगावाट के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर, जबकि 14.2 गीगावाट के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा स्थापित करने की मांग में वृद्धि होगी और यह वर्ष 2021 की तुलना में 36% की वृद्धि के साथ 228.5 गीगावाट हो जाएगी। वर्ष 2023 में यह बढ़कर 255.8 गीगावाट तथा 2025 में बढ़कर 314.2 गीगावाट होगी। वर्ष 2026 तक सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 347 गीगावाट दर्ज की जाएगी। वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर स्थापित कुल सौर ऊर्जा क्षमता में शीर्ष 5 देश हैं, चाइना 33%, USA 13%, जापान 8%, जर्मनी 6%, इंडिया 6%, टॉप 5 में। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2022। अप्रैल 2022 में मनीला स्थित एशियाई बैंक विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक
एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2022 जारी किया गया। इस रिपोर्ट की थीम है मोबिलाइजिंग टैक्सेस फॉर डेवलपमेंट। रिपोर्ट के अनुसार विकासशील एशिया की जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2022 के लिए 5.2% अनुमानित है, वर्ष 2023 के लिए यह 5.3% अनुमानित है। वर्ष 2020 एवं 2021 में विकासशील एशिया की वृद्धि दर क्रमशः -0.8% तथा 6.9% रही, 2020 में -0.8% और 2021 में 6.9%। चाइना की जीडीपी वृद्धि दर 2022 में 5% तथा वर्ष 2023 में 4.8% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2020 एवं 2021 में यह वृद्धि दर क्रमशः 2.2% और 8.1% रही। तो 2021 में 8.1% चाइना की जीडीपी रही, 2020 में कितनी थी? 2.2%। रिपोर्ट के अनुसार साउथ एशिया की जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2021 में 8.3% और वर्ष 2022 में 7% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2020 में जीडीपी वृद्धि दर -5.2% थी। वर्ष 2023 के लिए दक्षिण एशिया की जीडीपी वृद्धि दर 7.4% अनुमानित है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.9% अनुमानित है। अभी जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 8.7% आ चुकी है भारत की जीडीपी दर और जीवी 8.1% आ गया है। वहीं 2022 एवं वर्ष 2023 के लिए क्रमशः 7.5% एवं 8% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2020 में यह वृद्धि दर -6.6% थी। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट 2022। जनवरी 2022 में प्रकाशित विश्व बैंक समूह की अर्धवार्षिक रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावनाएं 2022 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट 2022 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.3% अनुमानित है, जबकि अगले दो वर्षों वर्ष 2022 एवं 2023 में इसके क्रमशः 8.7% खत्ते में 2022 में और 2023 में 6.8% हो जाने का अनुमान है। वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 2019 एंड 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्रमशः 4% 2019 -7.3% 2020 में रही। तो ये आंकड़ा थोड़ा अलग है, अभी हमने यहाँ पे देखा था -6.6% रही थी, इसके ही नीचे देखा था। 2020 में यह वृद्धि दर -6.6% रही। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक विकास दर 5.5% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2020 में यह -3.4% रही। वैश्विक विकास दर वर्ष 2022 एवं 2023 के लिए क्रमशः 4.1% तथा 3.2% पूर्वानुमानित है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक वृद्धि दर भारत की 8.3% की अनुमानित है, जो अब के डेटा के हिसाब से 8.7% आ चुकी है। उसके बाद क्रमशः चाइना की 8%, ब्राज़ील की 4.9%, दक्षिण अफ्रीका की 4.6%, रशिया की 4.3% का स्थान है। अब बात करते हैं हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 की। 18 फरवरी 2022 को हुरून रिपोर्ट द्वारा हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 का द्वितीय संस्करण जारी किया गया। इस रिपोर्ट के साथ ही हुरून इंडिया लग्जरी कंज्यूमर सर्वे 2021 का द्वितीय संस्करण भी जारी किया गया। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा उन 350 भारतीय करोड़पतियों का सर्वेक्षण किया गया जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति $1 मिलियन 7 करोड़ रुपये है, अर्थात जिन भारतीयों की व्यक्तिगत संपत्ति $1 मिलियन उन्हें करोड़पतियों के रूप में परिभाषित किया गया। 350 करोड़पतियों में से 12% 42 करोड़पति ऐसे करोड़पति हैं जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति 100 करोड़ रुपए है और उन्हें सुपर रिच की संज्ञा दी गई है। इन अरबपतियों की औसत संपत्ति $6.7 मिलियन है। इनकी औसत आयु 35 वर्ष है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1 वर्ष अधिक है। इस वर्ग के अरबपतियों में पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात 8:2 है, तो 8 पुरुष और 2 महिलाएँ। देश में सर्वाधिक करोड़पति परिवारों में 7 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति वाले की संख्या मुंबई में है। मुंबई को करोड़पतियों की राजधानी कहा जाता है। विश्व आर्थिक आउटलुक
अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में IMF द्वारा अपनी अद्यतन रिपोर्ट विश्व आर्थिक आउटलुक अप्रैल 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट का शीर्षक वार सेट्स बैक द ग्लोबल रिकवरी है। रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2021 के लिए 8.9% दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2022 एवं 2023 के लिए यह 8.2% एवं 6.9% पूर्वानुमानित या प्रोजेक्शंस हैं। तो 2022 का क्या प्रोजेक्शन था? 8.2% और 2023 का प्रोजेक्शन 6.9%। तो ये जो आ गया 2022 के जो आंकड़े आए हैं, 2021 के जो आंकड़े आए हैं 8.7% आए हैं 2021 के। तो 2022 का जो है 8.2 है और 2023 का 6.9 है। वर्ष 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.1% दर्ज की गई है, जबकि वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 के लिए दोनों वर्षों के लिए 3.6% पूर्वानुमानित है। भारत में सबसे मूल्यवान हस्तियां 30 मार्च 2022 को डफ एंड फेल्प्स क्रॉल द्वारा सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी 2021 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली $185.7 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ लगातार पाँचवें वर्ष शीर्ष पर बरकरार हैं। वहीं अभिनेता रणवीर सिंह ने $158.3 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। अक्षय कुमार ने $139.6 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है, जबकि आलिया भट्ट ने 2021 में $68.1 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे स्थान पर सूची में सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी बन गई हैं। विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट मिडिल में कितनी है 2022। 13 जनवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2022 में वर्ष 2021 के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को 5.5% अनुमानित किया गया है, जबकि इसी अवधि में भारत की GDP वृद्धि दर 9% अनुमानित है। विश्व उत्पादन एवं सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2020-2023 अर्थव्यवस्था देख लेते हैं और उसके साल देख लेते हैं, प्रतिशत में वार्षिक परिवर्तन देखेंगे तो विश्व में है -3.4 2020 में थी, 2021 में 5.5 थी, 2022 में 4 होगी और 2023 में 3.5 होगी। तो ये परसेंटेज में है। विकसित अर्थव्यवस्थाएं -4.8 2020 में थी, 4.8 2021 में है और 3.7 2022 में होगी, 2.5 2023 में होगी। USA की -3.4 2020 में थी, 5.5 2021 में आई, 2022 में 3.5 का अनुमान, 2023 में 2.4 का अनुमान। जापान की -4.6 थी, 2.2 ये 2021 में होगी और 3.3 ये अनुमानित है 2022 में, 2.7 2023 में अनुमानित है। रशिया की बात कर लेते हैं, -3.0 2020 में थी, 4.2 2021 में आई, 2.7 अनुमानित है 2022 में, 2.3 अनुमानित है 2023 में। चाइना की 2.3 ये थी 2020 में, 7.8 2021 में आई, 5.2 होगी 2022 में, 5.5% ये 2023 में होगी। भारत की -7.1% 2020 में अनुमानित थी, आई कितनी -6.6%, 9% ये 2021 में अनुमानित थी, आई कितनी 8.7%, 2022 में अनुमानित है 6.7% और 2023 में अनुमानित है 6.1%। ब्राज़ील की -4.1% 2020 में थी, 4.7% 2021 में आई, 0.5% 2022 में होगी, 1.9% 2023 में आएगी। विश्व व्यापार में -8.3% 2020 में, अनुमान क्या है 11% 2021 का, पूर्वानुमान 5.7% 2022 का, पूर्वानुमान 4% 2023 का। अब आई IIFL
वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021। 30 सितंबर 2021 को हुरून इंडिया तथा IIFL वेल्थ ने संयुक्त रूप से भारतीय अमीरों की 10 सूचियां तैयार की हैं। तो इस सूची में 1007 व्यक्तियों को स्थान मिला है, जो पिछले वर्ष 2020 की तुलना में 179 ज़्यादा है। ध्यातव्य की सूची में उन्हीं अमीरों को स्थान दिया गया है जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। 7,18,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी 64 वर्ष लगातार 10वें वर्ष सबसे अमीर भारतीय घोषित किए गए। तो मुकेश अंबानी की संपत्ति कितनी है? 7,18,000 करोड़। तो पहले नंबर पे मुकेश अंबानी एवं परिवार 7,18,000 करोड़ रुपए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कंपनी मुंबई जगह है। दूसरे में गौतम अडानी एवं परिवार 5,05,900 करोड़ रुपए, अडानी कंपनी अहमदाबाद जगह है। तीसरे में शिव नाडर एवं परिवार 2,36,600 करोड़ रुपए, SCL कंपनी न्यू दिल्ली जगह है। SP हिंदुजा एवं परिवार हिंदुजा की कितनी है? 2,20,000 करोड़ रुपए, हिंदुजा कंपनी का नाम है और लंदन में जगह है। और LN मित्तल एवं परिवार 1,74,400 करोड़ रुपए, आर्सेनल मित्तल इनकी कंपनी का नाम है और लंदन में रहते हैं ये। धन्यवाद।